पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में योग कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने योग किया और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। योग शिक्षिका जीतू नारंग ने घर से बेघर हुए बुजुर्गों के साथ योग किया और उन्हें भी अपनेपन का एहसास कराया। विश्व भर में योग दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन इसे अनोखे अंदाज में मनाया योग शिक्षिका जीतू नारंग, जिन्होंने किसी अपने की राह देख रही बूढ़ी आंखों में खुशी पैदा की और उन्हें योग कराया। इस दौरान मौजूद बुजुर्गों ने अपनी खुशी का भी इजहार किया और जीतू नारंग के सिर पर हाथ रखकर उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। तो वहीं जीतू नारंग ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं आज इनके बीच आई और सभी बड़ों का आशीर्वाद मिला। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है सर। राजेंद्र सिंह जी, आज आपने योगा किया, कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। हमें साहब सर बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ शरीर में आराम मिला? हाँ सर, सर आराम मिला सर। आपने नशा भी छोड़ा आज? हाँ सर, बीड़ी और खत्म नहीं की कभी भी। अच्छा, कितने साल से पी रहे हैं बाबा? 5-6-7-8 साल से पी रहे हैं। आप वृद्धाश्रम में आप पहुंची हैं, आपने योग सिखाया है, कैसा लगा आपको भी और इन लोगों को? कितना आपने आपको रख के राहत महसूस करी? बहुत ही अच्छा लगा। हमारा हिंदुस्तान का ये ज्ञान है और इसे हम बहुत बड़ा विज्ञान है जो पूरे विश्व को दिया गया। 21 जून हम लोग सब बनाते हैं, पूरा विश्व बनाता है, जो हिंदुस्तान की शान है और हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। आज वृद्ध आश्रम में आए हैं, योगा कराया है और सबने मुस्कुराया है और सबको बहुत अच्छा लगा। आपके साथ ही खड़े हैं और मुझे उतना ही अच्छा लगा जब उनके साथ मैंने योग और ध्यान करा। जब ध्यान में गए तो मन को बहुत अच्छा और शांति लगी, योग से पूरा शरीर के खुलाव हुआ। उनके लिए योग ही सिर्फ लाभदायक है। आज इन लोग को सबको कुर्सियों में बैठ कराया है, कुर्सी योगा कराई गई है उनकी उम्र के साथ। जैसे कुछ के पैरों में दिक्कत होती है, कुछ को बैठने में दिक्कत होती है, किसी की पीठ में परेशानी। इस उम्र में आते आते लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी आने स्वाभाविक हो जाती है। इसीलिए योग जो है कुर्सी बैठ कराया गया, जैसे कि वो पलंग में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं तो उस समय भी वो कर सकते हैं, या बाहर बैठे हुए हैं कुर्सी में तो भी वो कर सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म आसन सिखाए गए जिससे कि वो आराम से सहज भाव से अपने जीवन में उसे उतार सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।